आज हम आपसे फालज के इस तरह के फालज के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो बदतरीन जो है वो इंसानी बॉडी जो है उसको अफेक्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं सिविल ओमी क्लिनिक से अहमदाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम आपसे फालज के इस तरह के फालज के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो बदतरीन जो है वो इंसानी बॉडी जो है उसको अफेक्ट करते हैं। अच्छा, बारहा ये इस तरह के सिम्टम जो है वो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में भी आते हैं, और उसमें भी यही होता है कि पहले पाँव से ऊपर की तरफ, यानी पाँव में कमज़ोरी आती है, पाँव ठंडे रहना शुरू होते हैं, फिर आस्ता आस्ता वीकनेस आती है, फिर एक वक्त होता है कि इंसान चलने फिरने के काबिल नहीं रहता, और फिर आखिर में जब रेस्पिरेटरी तक उसका असर आता है और इंसान की डेथ हो जाती है। तो इस तरह का जो फालज है जो पाँव से शुरू हो, तो उसकी मेडिसिन जो है वो कोनियम मैकुलेटम है। और अगर जो फालज नीचे से ऊपर की तरफ आता है तो कोनियम, और ऊपर से अगर नीचे की तरफ जाए, यानी फालज बॉडी के ऊपर से किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन को हो गया और उसके अंदर बदतरजीर कमज़ोरी जो है वो बढ़ रही है और ऊपर से नीचे की तरफ अगर जा रहा है, तो उसकी जो मेडिसिन है वो है जिंकम मेट। और आप इसकी जो कंपेरेटिव स्टडी है वो ब्रैडीकार्प से जो है वो कर सकते हैं। तो फालज देखिए, होम्योपैथी जो है वो इंसानी बॉडी को मलूज़े खातर रखते हुए उसको एड्रेस करती है, और एज अ होलिस्टिक अप्रोच के साथ, यानी हम पूरी बॉडी को वन यूनिट समझ के उसको ट्रीट करते हैं। और होम्योपैथिक की मेडिसिन भी जो है वो उसी तरह एक इंसान के ऊपर इफेक्ट करती है। और होम्योपैथिक मेडिसिन की चूँकि ट्रायल जो है वो सेहतमंद लोगों पर होते हैं, तो दैट्स वाई हम माइंड सिम्टम्स जो है उसको भी कंसिडर करते हैं, और हर इंसान की जो फीलिंग है उसको समझ के उसके मुताबिक मेडिसिन दी जाती है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा, उसकी कोई सेंसेशन है और वो कह रहा है जी मुझे पेन हो रहा है, फिर हम पूछते हैं पेन किस तरह का हो रहा है, तो उसके भी अंदर बहुत सारी किस्में हैं और हर पेन की जो अलग से मेडिसिन है। अब इसको पेन किलर दे के या इस तरह की अद्वियात दे के उसको सप्रेस नहीं किया जाता, बल्कि उसको अंडरस्टैंड करके अकॉर्डिंगली जो है वो मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। और जैसे अगर फालज नीचे से ऊपर की तरफ आता है तो कोनियम, अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो जिंकम मेटालिकम एंड ब्रैडीकार्प। थैंक यू वेरी मच।